चलो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर ही रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ये टी इज इक्वल टू जीरो से रेस्ट से रिलीज होता है टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है और ये जो लेंथ एल है दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ एल 60 सेंटीमीटर है ये वाली चीज़। इफ द स्लीपिंग स्लीपिंग मतलब सिलेंडर जो है सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लीपिंग देन स्पीड द रीचिंग बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो जब बॉटम पर पहुँचेगा इफ द सिलेंडर इट्स स्पीड, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालनी है। देखो ये वाली जो हाइट है वो एच है, तो इस हाइट एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी एल साइन 30। तो एल साइन 30 की वैल्यू कितनी, एल कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो 0.3 मीटर और साइन 31/2। तो साइन 31/2 तो यहाँ से तुम देखोगे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट एच है। अब हमें फार्मूला स्पीड, अगर ये यहाँ से आता है तो हमें पहले से ही हमें फार्मूला याद है कि स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो 2h/g और 1 प्लस k² r² अंडर रूट। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप एक काम करो, याद कर लो। आपको क्या लगा मैं दूसरा कुछ बताऊंगा? चलो बता ही देता हूँ, आप एनर्जी कंजर्व करा दो, और एनर्जी कंजर्व करा दोगे तो ये बहुत आसान से हो जाएगा, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो। तो यहाँ से k² r² सॉलिड सिलेंडर के केस में, तो सॉलिड सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो mr² / 2 होती है डिस्क, और इसको मैं mk² से कंपेयर कर दूँ तो यहाँ से k² और r² की जो वैल्यू है, k² r² की वैल्यू वो 1/2 है, तो k² r² की वैल्यू 1/2 है, तो इसको ले जाके मैं यहाँ रखता हूँ। तो यहाँ से स्पीड भी इज इक्वल टू 2 और g की वैल्यू 10 है, और ये जो हाइट है वो आ जाएगा 0.3, और यहाँ से 1 प्लस देखोगे k² r² की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 और ये सब कुछ अंडर रूट। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगा, तो ये पॉइंट ये ख़त्म हो गया और ये आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 6 और 3 और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा स्पीड यहाँ से वो 2 मीटर/सेकेंड इज द फाइनल सोल्यूशन। तो ये जो खाली जगह है वो मुझे भरते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो ये 2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।